हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं लिबरलिज्म और ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है जिसमें हम समझेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, फंक्शनलिज्म, रिपब्लिकन लिबरलिज्म एंड इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। इनको आप ब्रांचेस ऑफ लिबरलिज्म भी कह सकते हैं, स्कूल्स ऑफ लिबरलिज्म भी कह सकते हैं या वेरियस आइडियाज दैट एग्जिस्ट विद इन लिबरलिज्म भी कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पार्ट वन में हमने लिबरलिज्म का मीनिंग समझा था, उसकी हिस्ट्री समझी थी और एजम्पशन समझी थी जिनको हम आइडियाज भी कहते हैं, और हमने समझा था कि कैसे लिबरलिज्म को समय के साथ थोड़ा चेंज होना पड़ा, स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने से इसको एक सेटबैक लगा था। पहले ये आइडियलिस्टिक आइडियाज पर बेस्ड था और बाद में लिबरलिज्म ने इन आइडियाज से अपने आप को दूर कर लिया, और इसी वजह से लिबरलिज्म के विद इन डिफरेंट स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनिशियल फेज ऑफ लिबरलिज्म से, जिसे क्लासिकल लिबरलिज्म कहा जाता है। सो क्लासिकल लिबरलिज्म इज द नेम गिवन टू द लिबरल थॉट इन द प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर ईयर्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने से पहले का जो समय है, उस समय के लिबरल थॉट को क्लासिकल लिबरलिज्म कहा जाता है। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में लिबरलिज्म का इमर्जेंस कब हुआ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको लिबरलिज्म अच्छे से समझ में आएगा। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो कोर आइडियाज थे क्लासिकल लिबरलिज्म के, वो क्या थे? इट एम्फसाइज्ड ऑन ह्यूमन रीजन एंड कंसिडर्स ऑल इंडिविजुअल्स एज रैशनल क्रिएचर्स। क्लासिकल लिबरलिज्म एम्फसाइज करता था ह्यूमन रीजन पे। ये मानता था कि सभी इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो रैशनल क्रिएचर्स होते हैं, और क्योंकि वो रैशनल क्रिएचर्स हैं, उन्हें पता है क्या सही है क्या नहीं है, वो उन एरियाज में आपस में कोऑपरेट करते हैं जहां पर वो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं। और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं बल्कि स्टेट्स आल्सो कोऑपरेट विद ईच अदर। स्टेट्स भी तो इंडिविजुअल से ही बनती हैं, तो स्टेट्स भी आपस में कोऑपरेट करती हैं, और जो उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करती हैं, एज दे आर कोऑपरेटिव इन नेचर। तो क्लासिकल लिबरलिज्म के भी विद इन टू डिफरेंट सब स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक है 19th सेंचुरी लिबरलिज्म और दूसरे को कहा जाता है 20th सेंचुरी लिबरलिज्म या आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इंटरवॉर पीरियड को इंटरनेशनल रिलेशन में आइडियलिज्म से रेफर किया जाता है, और उससे पहले के जो आइडियाज हैं वो 19th सेंचुरी लिबरलिज्म का पार्ट हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म से जो थिंकर्स एसोसिएटेड हैं वो हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, रिचर्ड कॉबडन, इमैनुअल कैंट, जे ए हॉब्सन एंड वुड्रो विल्सन। बेसिकली जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो जॉन लॉक और एडम स्मिथ के आइडिया से ही इंस्पायर्ड है, इसलिए उनके नेम को हमने यहाँ मेंशन किया है। अदरवाइज आईआर में तो लिबरलिज्म लेट 19th सेंचुरी में आया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कंपेयर कर लेते हैं 19th सेंचुरी लिबरलिज्म को और आइडियलिज्म को। अकॉर्डिंग टू 19th सेंचुरी लिबरलिज्म, द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज इंटरवेंशंस बाय गवर्नमेंट्स डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। जब देशों की गवर्नमेंट्स डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों तरीकों से इंटरवेंशन या दखल अंदाजी करती है, उससे जो एक नेचुरल ऑर्डर बना होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज हो जाते हैं। सो एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश के मैटर में इंटरवीन करती है, अपनी दखल अंदाजी करती है, उनसे उन देशों के बीच में क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। आइडियलिज्म का मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि इसका नेचर अनडेमोक्रेटिक है। स्टेट्स बैलेंस ऑफ पावर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती हैं, और इसी बैलेंस ऑफ पावर को एस्टैब्लिश करने के चक्कर में देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ हाउ कैन पीस बी सिक्योर्ड। 19th सेंचुरी लिबरलिज्म मानता था कि पीस को सिक्योर कैसे किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, दैट इज थ्रू प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल लिबर्टी और थ्रू फ्री ट्रेड।
इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोवाइड करके पीस को सिक्योर किया जा सकता है और साथ ही साथ फ्री ट्रेड के थ्रू भी इसको सिक्योर किया जा सकता है, क्योंकि फ्री ट्रेड से क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी देशों में और उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगी। वहीं आइडियलिज्म का मानना था कि पीस को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, थ्रू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि लोगों के पास राइट होना चाहिए अपनी एक स्टेट को फॉर्म करने का और साथ ही साथ सरकार को चूज करने का। इसके अलावा कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू भी पीस को सिक्योर किया जा सकता है, विच बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। अगर एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो बाकी देश मिलकर उस अग्रेसर पर हमला कर देंगे, दैट इज वॉट कलेक्टिव सिक्योरिटी इज। साथ ही साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के एस्टैब्लिशमेंट पर भी आइडियलिज्म ने बहुत ज्यादा फोकस किया था और इनका मानना था कि इसके थ्रू वॉर को अवॉइड किया जा सकता है और पीस को सिक्योर किया जा सकता है। 19th सेंचुरी लिबरलिज्म से जो मेन थिंकर रिलेटेड हैं वो हैं रिचर्ड कॉबडन, वहीं आइडियलिज्म के मेन प्रोपोनेंट हैं वुड्रो विल्सन। तो इस प्रकार ये जो दो सब स्कूल्स थे ये एक दूसरे से डिफरेंट थे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कोर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कॉजेस को अच्छे से स्टडी किया और एक ऐसा पॉलिटिकल प्रोग्राम डिजाइन किया जिसके थ्रू इन इश्यूज को एड्रेस किया, और वो जो मेन इश्यूज थे वो वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट प्रोग्राम में रिफ्लेक्टेड हैं। तो एज पर क्लासिकल लिबरलिज्म जो रीजंस थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वो थे लैक ऑफ डेमोक्रेसी, सीक्रेट डिप्लोमेसी का होना, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की कमी होना। ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और इन्हीं इश्यूज को सॉल्व करने का प्रयास किया गया थ्रू द 14 पॉइंट प्रोग्राम। ये एक प्रपोजल था जो कि यूएस के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन द्वारा दिया गया था एक स्पीच के तौर पर, और ये कब दिया गया था, 1918 में। इसमें उन्होंने कुछ आइडियाज बताए थे जिसके थ्रू वॉर को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो थे, द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी शुड बी ट्रांसपेरेंट इन कैरेक्टर। डिप्लोमेसी जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए नेचर में, सीक्रेट डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए बिकॉज दैट वॉज द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करना चाहिए जिनसे कोऑपरेशन फैसिलिटेट हो देशों के बीच में। इकोनॉमिक बैरियर्स को रिमूव करना चाहिए जिससे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो सके देशों के बीच में, और अगर कोऑपरेशन होगी स्टेट्स के बीच में तो दे विल नॉट गो टू वॉर। नेक्स्ट इज नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंड ऑल्सो देयर शुड बी एन एसोसिएशन ऑफ नेशंस। अलग अलग स्टेट साथ में आकर एक एसोसिएशन को फॉर्म करें जिससे ना ही सिर्फ पीस एस्टैब्लिशमेंट में मदद मिलेगी बल्कि देशों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भी मेंटेन रहेगी, और ऐसे ही आइडिया से इंस्पायर होकर लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश हुआ जिसका पर्पस था एक दूसरी वॉर को प्रिवेंट करना। बट वी ऑल नो कि क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई और इसी के साथ ही साथ लिबरलिज्म भी फेल हो गया, या रादर वी शुड से क्लासिकल लिबरलिज्म फेल हो गया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, ये राइज ऑफ नाज़िज़्म एंड फैसिज्म को चेक नहीं कर पाया, और इसका जो मेन आइडिया था कि स्टेट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं वो भी फेल हो गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। तो यहां से डाउनफॉल हुआ लिबरलिज्म का और इमर्जेंस हुआ रियलिज्म का। सो नाउ लिबरलिस्ट थिंकर्स को लगा कि अगर रेलिवेंट रहना है तो लिबरलिज्म में नए आइडियाज लाने पड़ेंगे ताकि बदलते समय के अनुसार ये रेलिवेंट बन सके, क्योंकि अब जो फोकस था वो हो गया था व्हाट इज पर रादर देन व्हाट शुड बी पर। तो इसी प्रकार लिबरलिज्म में नए स्कूल्स आए। यहाँ ये बात बतानी भी जरूरी हो जाती है कि लिबरलिज्म के कुछ स्कूल्स तो 20th सेंचुरी के बाद ही इमर्ज होने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उनको जो पॉपुलैरिटी मिली वो 1950s एंड 60s के बाद ही मिली। तो जैसे कि सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है और मॉडर्न लिबरलिज्म है, ये सब 1950 से पहले ही इमर्जेंस में आ गए थे। तो चलिए अब इनको स्टडी करते हैं और इन स्कूल्स और ब्रांचेस को स्टडी करके आप एक तरह से लिबरलिज्म के एवोल्यूशन को भी समझ पाएंगे।
अब बात कर लेते हैं सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म की, जो कि एग्जिस्टेंस में आया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी और ये पूरी तरह डेवलप हुआ टुवर्ड्स द मिड 20th सेंचुरी समवेयर अराउंड 1950। और इसके जो सपोर्टर्स हैं वो हैं रिचर्ड कॉब्डन, कार्ल ह्यूज और जॉन बर्टन। इट सपोर्ट्स इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट्स। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म एम्फसाइज करता है पीपल टू पीपल रिलेशंस पर। डिफरेंट डिफरेंट देशों के जो लोग हैं वो आपस में रिलेशंस एस्टैब्लिश करें और उन रिलेशंस का आधार बनेगा उनके सिमिलर इंटरेस्ट्स, क्योंकि सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का मानना है कि लोगों के बीच में जो कॉपरेशन होती है वो स्टेट्स के बीच में कॉपरेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल होती है, क्योंकि स्टेट्स तो एक्सक्लूसिव होती हैं। जरूरी नहीं है कि उनके इंटरेस्ट आपस में ओवरलैप करें जिससे उनके बीच में कॉपरेशन हो पाए, बिकॉज अगर इंटरेस्ट ओवरलैप नहीं करेंगे तो कॉमन इंटरेस्ट कैसे बनेंगे स्टेट्स के बीच में। इसलिए ये कहता है कि लोगों को आपस में रिलेशंस बढ़ाने चाहिए, और पीपल का यहाँ पर मतलब है नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसमें आते हैं एनजीओस, बिग बिजनेसमैन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एमएनसीज, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस। और इसीलिए ये प्लूरलिज्म का सपोर्ट करता है, क्योंकि ये मानता है स्टेट्स आर नॉट द सोल एक्टर्स, बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से पीपल एंड ग्रुप्स एक दूसरे के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं और इसी तरह नेटवर्क्स फॉर्म करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो जहां रियलिस्ट जो थे वो सिर्फ ऑफिशियल और फॉर्मल रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देते थे अमंग द स्टेट्स, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म जो है वो इनफॉर्मल रिलेशंस को भी इम्पोर्टेंस देता है। और इसका मानना है कि अगर ग्लोबल लेवल पर इस प्रकार का नेटवर्क होगा तो इंटरनेशनल लेवल पर पीस बनी रहेगी। तो अगर एक देश का एनजीओ दूसरे देश के एनजीओ के साथ इंटरैक्ट करता है, ऐसे रिलेशंस को सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ ट्रांसनेशनलिज्म। ये मानता है कि सिर्फ स्टेट्स ही नहीं बल्कि प्राइवेट ग्रुप्स और सोसाइटीज भी इम्पोर्टेंट एजेंट्स होती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, और जो लोगों के बीच में रिलेशंस होते हैं अक्रॉस द डिफरेंट सोसाइटीज वो नेचर में ज्यादा फ्रेंडलियर होते हैं इन कंपैरिजन टू द रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और जैसे ही वो रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं उनका एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, जिससे ग्लोबल सोसाइटीज फॉर्म होती हैं। और इसी से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कार्ल ह्यूज और जॉन बर्टन ने दिए हैं। पहला है सिक्योरिटी कम्युनिटी का और दूसरा है कॉबवेब मॉडल का। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या कहती है? इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज गिवन बाय कार्ल ह्यूज। और इसका मानना है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग आपस में रेगुलरली इंटरैक्ट करते रहें तो इससे कम्युनिटी फीलिंग डेवलप होती है और स्टेट्स के बीच में पॉसिबिलिटी घट जाती है कॉन्फ्लिक्ट्स होने की। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया है सिक्योरिटी कम्युनिटी का, क्योंकि ये कम्युनिटी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट वॉर एंड अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ ये स्टेट गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि पीपल की बात कर रहे हैं, जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं और एक देश के आम नागरिक आते हैं। देन सेकेंड इज द कॉबवेब मॉडल, जो कि दिया गया था जॉन बर्टन द्वारा अपनी बुक वर्ल्ड सोसाइटी में, जो कि पब्लिश हुई थी 1972 में। और ये मॉडल बात करता है ऐसी इंटरैक्शंस की जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रुप्स के बीच में की जाती है, और इसी नेटवर्क ऑफ इंटरैक्शंस को उन्होंने नाम दिया है द कॉबवेब मॉडल का। उनका भी ये मानना है कि ये जो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रुप्स के बीच की इंटरैक्शन होती है इससे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस घट जाते हैं। तो ये था सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, जो कहता था कि सिर्फ स्टेट्स को ही आपस में इंटरैक्ट नहीं करना चाहिए बल्कि स्टेट्स में जो पीपल होते हैं उन्हें भी आपस में इंटरैक्ट करना चाहिए, विच मीन्स द नॉन स्टेट एक्टर्स एंड द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। क्योंकि अगर पीपल टू पीपल इंटरैक्शन बढ़ेगा उससे चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट इज फंक्शनलिज्म, जिसके सपोर्टर्स हैं डेविड मिट्रानी एंड अर्न्स हैस।
और फंक्शनलिज्म का जो इमर्जेंस हुआ था इट हैपेंड ड्यूरिंग द इंटरवॉर पीरियड। फंक्शनलिज्म का ये मानना है कि स्टेट्स अगर एक एस्पेक्ट में कोऑपरेट करते हैं तो वो दूसरे एस्पेक्ट्स और फील्ड्स में भी कोऑपरेट करने लगेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर वो कल्चरल फील्ड में कोऑपरेट करते हैं तो वो इकोनॉमिक फील्ड में भी कोऑपरेट करने लगेंगे एंड अल्टीमेटली पॉलिटिकल फील्ड में भी कोऑपरेट करेंगे, बिकॉज कोऑपरेशन इन वन फील्ड विल हैव अ स्पिल ओवर इफेक्ट। एक फील्ड में कोऑपरेशन का स्पिल ओवर इफेक्ट हो जाएगा, ये इफेक्ट दूसरे फील्ड में भी पहुंच जाएगा एंड कोऑपरेशन कैन प्रिवेंट वॉर एंड कंफ्लिक्ट अमंग नेशंस। फंक्शनलिज्म भी यही मानता है कि कोऑपरेशन हो अगर स्टेट्स के बीच में उससे वॉर को प्रिवेंट किया जा सकता है और देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को भी रिड्यूस किया जा सकता है। और इसका जो प्राइम फोकस है वो है स्टेट्स के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इट बिलीव्स कि अगर देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन चलती रही इससे एक सुप्रानेशनल अथॉरिटी क्रिएट होगी। और इसको हम ईयू के एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं विच इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन। फंक्शनलिज्म को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ईयू के एग्जांपल के थ्रू समझा जा सकता है। तो इसकी इमर्जेंस हुई थी एज यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी इन 1952 और ये यूरोपियन इकोनॉमीज द्वारा क्रिएट किया गया था फॉर देयर इकोनॉमिक रिवाइवल, क्योंकि इनकी इकोनॉमीज वर्ल्ड वॉर टू की वजह से डिवेस्टेट हो चुकी थी। तो ECSE की एस्टैब्लिशमेंट की वजह से यूरोपियन इकोनॉमीज ने डिफरेंट डिफरेंट स्फेयर्स में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर दिया विच रिलेटेड टू ट्रेड, कल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसी प्रकार इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन बढ़ती गई देशों के बीच में और फिर एग्रीकल्चर, करेंसी और सिक्योरिटी जैसे इश्यूज पर कॉमन पॉलिसीज आने लगी और अल्टीमेटली जो एस्टैब्लिश हुआ वो था यूरोपियन यूनियन इन द ईयर 1993। तो फंक्शनलिज्म का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है एंड द ईयू मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस इन द फेवर ऑफ पूलिंग ऑफ सॉवरेनिटी। ईयू पूलिंग ऑफ सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट का एक परफेक्ट एग्जांपल है। पूलिंग ऑफ सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि स्टेट्स अपनी सॉवरेन पावर को सरेंडर नहीं करते हैं बल्कि वो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं जिससे उनके पावर शेयर में इन्हांसमेंट होती है। और फंक्शनलिज्म भी यही मानता है कि कॉमन इंटरेस्ट एंड नीड्स शेयर्ड बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स कैन लीड टू ग्लोबल इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। कॉमन इंटरेस्ट और नीड्स की वजह से एक ग्लोबल इंटीग्रेशन या इंटरनेशनल इंटीग्रेशन हो जाती है स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स की एंड दिस फर्दर लीड्स टू द कलेक्टिव गवर्नेंस एंड मटीरियल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द स्टेट्स। तो ये था फंक्शनलिज्म जो अगेन स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन की बात करता है और एक स्पिल ओवर इफेक्ट की भी बात करता है कि अगर एक एस्पेक्ट में कोऑपरेशन होती है इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू कोऑपरेशन इन अदर फील्ड्स एज वेल एंड दिस ग्लोबल इंटीग्रेशन लीड्स टू राइज ऑफ अ सुप्रानेशनल अथॉरिटी। Another school of liberalism is the republican liberalism and this is related with the ideas of Immanuel Kant and Michael Doyle. So ye Kant ke idea se inspired hai aur ye relevant bana during the 1960s. Republican liberalism ki bahut simple si assumptions hai and it's very easy to understand. Ye simply bas ek baat kehti hai that democracies do not fight each other. जहां जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ वॉर पर नहीं जाती हैं और इसी को नाम दिया जाता है डेमोक्रेटिक पीस थीसिस का। देखिए जो इस कॉन्सेप्ट की बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दे डेट बैक टू द 18th सेंचुरी जब इमैनुअल कैंट ने भी यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस का एक कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने भी यही कहा था कि अगर लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा रिपब्लिक्स को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। रिपब्लिक्स का मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी ही है और उनका भी यही मानना था कि रिपब्लिक्स एक दूसरे के साथ वॉर पर नहीं जाते हैं अनलेस वो सेल्फ डिफेंस में हो। डेमोक्रेटिक पीस थीसिस भी यही कहती है और ये थीसिस बेसिकली रियलिज्म को एक चैलेंज प्रेजेंट करती है। रियलिज्म कहता है कि पीस कब पॉसिबल है, पीस इज पॉसिबल ओनली थ्रू एस्टैब्लिशिंग बैलेंस ऑफ पावर और डोमेस्टिक फैक्टर्स का पीस से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि डेमोक्रेटिक पीस थीसिस क्या कहती है, ये एक देश की डोमेस्टिक कंडीशन पर ही एम्फसाइज करती है
जिस भी देश में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो देश दूसरी डेमोक्रेसीज के साथ वॉर नहीं करेगा। और फर्दर इनका मानना है कि जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स होती हैं वो अग्रेसिव होती हैं, उनको फोर्स को यूज करने की आदत होती है अपने आप को पावर में मेंटेन करने के लिए, इसलिए उन्हें वॉर पे जाने से भी कोई खतरा नहीं है। इसलिए उनके जो दूसरी स्टेट्स के साथ डिस्प्यूट्स होते हैं उन डिस्प्यूट्स को वो फोर्स के यूज के थ्रू सॉल्व करते हैं। माइकल डॉयल जो रिपब्लिकन लिबरलिज्म के सबसे बड़े प्रोपोनेंट हैं, उन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं कि क्यों डेमोक्रेसीज डू नॉट गो टू वॉर। सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि जो डेमोक्रेसीज का एक पॉलिटिकल कल्चर होता है, नाउ पॉलिटिकल कल्चर पे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया है कि ये क्या होता है। तो डेमोक्रेसीज का जो पॉलिटिकल कल्चर होता है वो पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर बेस्ड होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए, ऐसी वैल्यूज पर डेमोक्रेसीज बेस्ड होती हैं, और यही जो वैल्यू है वो इंकरेज करती है पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस को, क्योंकि ये स्टेट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को भी पीसफुली रिजॉल्व करने में बिलीव करती हैं। सेकेंड रीजन इज दैट द डेमोक्रेसीज होल्ड मॉरल वैल्यूज विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट कैन कॉल्ड अ पैसिफिक यूनियन। सभी डेमोक्रेसीज के कुछ कॉमन मूल्य होते हैं या मॉरल वैल्यूज होती हैं, और इनसे क्या फॉर्म होता है, इनसे फॉर्म होता है एक पैसिफिक यूनियन। पैसिफिक यूनियन क्या होता है, ये कोई ट्रीटी नहीं होती है बल्कि एक जोन ऑफ पीस होती है, और इस जोन के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्री कम्युनिकेशन जैसी वैल्यूज को प्रमोट किया जाता है जिससे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और फर्दर अश्योर किया जाता है कि पैसिफिक यूनियन में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सिटीजंस के व्यूज के अकॉर्डिंग ही एक्ट करें। तो ये पैसिफिक यूनियन एक जोन ऑफ पीस प्रोवाइड करता है कंट्रीज को। फर्दर जो डेमोक्रेसीज के बीच में पीस है उसे स्ट्रेंथन कैसे किया जाता है, थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंस की बात आ गई है, और इसी इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंस को कैंट ने नाम दिया है द स्पिरिट ऑफ कॉमर्स का। तो डेमोक्रेसीज के बीच में अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगी, आपस में इंटरडिपेंडेंस होगी, उससे पीस भी इस्टेब्लिश होगी। तो हम सम अप कर सकते हैं ये कह के कि रिपब्लिकन लिबरलिज्म जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, और उसका मानना है जहां जहां डेमोक्रेसीज होगी सच कंट्रीज विल नॉट गो टू वॉर विद ईच अदर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ लिबरलिज्म इज द मॉडर्न लिबरलिज्म। ये लिबरलिज्म बाकी जो स्कूल्स ऑफ लिबरलिज्म है उनसे थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज इट सेंटर्स अराउंड द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। नाउ यू नो व्हाट वेलफेयर स्टेट इज, जहां जो स्टेट है वो लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य करती है। और मॉडर्न लिबरलिज्म प्रोमिनेंस में आया अराउंड द मिड 20th century। देखिए जो क्लासिकल लिबरलिज्म था ये फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट और लेसेस फेयर इकोनॉमिक्स की बात करता था, और वो स्टेट की इंटरवेंशन के भी अगेंस्ट था। लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म ऐसा नहीं था। इसका मानना था कि जो इश्यूज हैं जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डिजीजेस, डिस्क्रिमिनेशन और इग्नोरेंस, ऐसे इश्यूज को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब स्टेट का इंटरवेंशन हो। और इसका मानना था कि स्टेट्स लोगों को अलग अलग तरीके की सर्विसेज और बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, जैसे कि वर्कर्स कॉम्पनसेशन स्कीम्स या पब्लिक फंडिंग ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। इसके अलावा वर्किंग आवर्स और कंडीशंस पर रेगुलेशंस होना। बेसिकली मॉडर्न लिबरलिज्म मानता था कि ये गवर्नमेंट की जॉब है टू इंश्योर दैट सभी इंडिविजुअल्स के पास एक्सेस टू एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, फेयर वेजेस है या गुड वर्किंग कंडीशंस है। सो ये फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन था जो कि बीइंग लेफ्ट अलोन की बात करता था। देखिए मॉडर्न लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को देने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, और वो था द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ऐसा माना जाता था कि जो लिबरलिज्म फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेसेस फेयर की बात करता है, उसी की वजह से ये जो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 है, या जिसे महामंदी भी कहा जा सकता है, वो क्रिएट हुई, और इसीलिए इमर्जेंस हुआ मॉडर्न लिबरलिज्म का।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। बाय द 1970s इकोनॉमिक स्टेग्नेशन होने लगी, यानी कि लिटिल और नो ग्रोथ इन द इकोनॉमी, और सरकारों का जो डेथ है वो भी इंक्रीज हो गया। वेलफेयर पॉलिसीज की वजह से सरकारों का कर्जा बढ़ गया और इसी ने फोर्स किया इकोनॉमिस्ट को टू रिटर्न टू द क्लासिकल लिबरलिज्म। अब लिबरल थिंकर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना वापस जाया जाए, और इसी वजह से क्लासिकल लिबरलिज्म वापस आया इन इट्स रिवाइव्ड फॉर्म एंड इट केम टू बी नोन एज नियो लिबरलिज्म, जो क्लासिकल लिबरलिज्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इसकी रेलेवेंस खत्म हो गई है, वो रिवाइव हुआ इन द फॉर्म ऑफ नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि कैसे इवॉल्व हुआ लिबरलिज्म। Now comes another branch of liberalism, which is the interdependence liberalism. Interdependence liberalism को neoliberalism का foundation माना जाता है या उसका एक base माना जाता है, और इसके जो supporters हैं वो है Robert O. Cohen and Joseph S. Ney. ये emergence में आया during the later part of the 1970s. वैसे तो ये neoliberalism के अंदर भी आता है, बट इसे मैं यहाँ सेपरेटली से करा रही हूँ क्योंकि नियो लिबरलिज्म को हम एक डिफरेंट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और उसको भी हम एज अ थियोरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ही स्टडी करने वाले हैं। सो अभी के लिए लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। तो इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म का भी ये मानना था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑल एक्टर्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, सारे एक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, hence the interdependence, and international politics works on the basis of collaboration of these very actors. So actors matlab state actors ki bhi baat ho rahi hai aur non state actors ki bhi baat ho rahi hai. Different actors ke beech mein collaboration chalti rehti hai aur isi aadhar par international politics work karta hai. Aur isse related ek bahut hi important concept diya hai Cohen aur Ney ne, which is known as the complex interdependence. कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो एज पर दिस कॉन्सेप्ट, जो ट्रांसनेशनल एक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रोइंग टाइज। जैसे जैसे कॉपरेशन बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते जाएंगे। और ये इंटरडिपेंडेंस क्यों होती है? ये होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ मनी, पीपल, गुड्स, सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन। चाहे मनी हो, चाहे पीपल या गुड्स, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ये एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, तो एक ट्रांसनेशनल फ्लो होता है जिससे देशों के बीच में इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाती है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस भी इसका एक एग्जांपल है। फर्दर इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है, और वो ये कि मिलिट्री फोर्स के यूज में डिक्रीज और इकोनॉमिक एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस में इंक्रीज होने से स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन भी इंक्रीज होती है। मिलिट्री फोर्स के यूज को कम कर देना चाहिए और इकोनॉमिक और दूसरे फील्ड्स में कोऑपरेशन को इंक्रीज कर देना चाहिए, इससे देशों के बीच में अपने आप कोऑपरेशन बढ़ जाएगी। प्लस कोहेन और ने तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के अपनी बुक पावर एंड इंटरडिपेंडेंस में। सबसे पहला फीचर ये कि देर आर मल्टीपल चैनल्स ऑफ कनेक्शन थ्रू विच सोसाइटीज एंड पीपल कनेक्ट। ऐसे कई चैनल्स ऑफ कनेक्शन हैं जिसके थ्रू सोसाइटीज और लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ ये इनफॉर्मल टाइज की बात कर रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन अकेला चैनल ऑफ कनेक्शन नहीं होता है, और ये इनफॉर्मल टाइज हो सकती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में, जिसमें एक देश के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दूसरे देश के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ इनफॉर्मल टाइज एस्टैब्लिश करें, या ये इनफॉर्मल टाइज हो सकती हैं नॉन गवर्नमेंटल इंडिविजुअल्स के बीच में भी,
जब एक देश के नॉन गवर्नमेंटल इंडिविजुअल्स दूसरे देश के नॉन गवर्नमेंटल इंडिविजुअल्स के साथ इंटरैक्ट करें, ये फेस टू फेस भी हो सकता है और टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू भी हो सकता है, या मेंबर्स ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें, जैसे कि मल्टीनेशनल बैंक्स या कॉरपोरेशंस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें। तो ये होती हैं कुछ इनफॉर्मल इंटरैक्शंस जो इंटरनेशनल रिलेशंस में होती हैं और इसके थ्रू लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। सेकेंड फीचर इज दैट देर आर मल्टीपल इशूज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत सारे इशूज हैं। ऐसा नहीं है कि मिलिट्री और सिक्योरिटी इशूज कल्चरल इशूज से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, सभी इशूज इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो देर कैन बी अ कनेक्शन बिटवीन द नेशनल इशूज ऑफ अ कंट्री विद एन इंटरनेशनल इवेंट विच इज नोन एज द लिंकेज स्ट्रैटेजी। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का ये भी मानना है कि एक देश के नेशनल इशू और एक इंटरनेशनल इवेंट के बीच में भी एक कनेक्शन हो सकता है, और इसी कनेक्शन को उन्होंने लिंकेज स्ट्रैटेजी का नाम दिया है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर दो देशों के बीच में वॉर चल रही है और उसकी वजह से क्या होता है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे एक देश में महंगाई हो जाती है। तो हो गया ना कनेक्शन एस्टैब्लिश बिटवीन द नेशनल इशू ऑफ अ कंट्री विद एन इंटरनेशनल इवेंट। इंटरनेशनल लेवल पर वॉर की वजह से एक देश में महंगाई हो गई। महंगाई कैसे हुई? तेल के दाम बढ़ गए, उससे सब चीजें महंगी हो गई। तो ये होता है लिंकेज स्ट्रैटेजी। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है, इट बिकेम द फाउंडेशन फॉर द लिबरलिज्म। और नियो लिबरलिज्म, जो कि एक रिवाइव्ड फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म है, उसको हम आगे चलकर वीडियोस में समझने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पर हमने वेरियस स्कूल्स ऑफ लिबरलिज्म को डिस्कस किया। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।